Hello friends, myself Dr. Ankita Singh-Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR at JRF with All India Rank 103. Today, we are going to discuss about the ABC transporter, in which ABC represent the ATP binding cassette transporter. Mainly, it is the important protein of active transport. ठीक है, अभी तक हमने P, V and F के बारे में डिस्कस कर लिया है. आज हम फाइनली इस चैप्टर का भी क्लोजिंग करेंगे. मैं बायो मेम्ब्रेन जो बड़े लंबे समय से चल रहा है, ठीक है, विद द एबीसी ट्रांसपोर्टर. नाउ एबीसी ट्रांसपोर्टर एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर में मेनली इसके टू डोमेन है मोटे मोटे तौर पे, और वैसे तीन प्रोटीन पे डिपेंड करता है. टू डोमेन कैसे हैं, एक होता है एबीसी डोमेन जो कि विद इन द आपके साइटोप्लाज्म, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में होगा, अगर कोई ऑर्गेनेल है तो ल्यूमेन की तरफ होगा. ठीक है, तो वहां होता है एबीसी डोमेन, और या जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन भी कहलाता है. एबीसी अगेन रिप्रेजेंट द सेम थिंग, एटीपी बाइंडिंग कैसेट. दूसरा होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन. ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो कि लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर जो है उसमें स्पैंड रहता है. ठीक है, मेनली द स्पैनिंग इज टेक्स प्लेस बाय, मतलब 10 टाइम इट ट्रेवर्स दिस बायलेयर, 10 टू 12 टाइम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का. एंड ऑफ कोर्स द अनदर प्रोटीन दैट एक्चुअली परफॉर्म द बाइंडिंग ऑफ एनी सोल्यूट, जिसको कि ट्रांसपोर्ट होना है इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, उसको बाइंड कराती है और उसको वहां तक लेके आती है. ठीक है, कहा तक, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन तक. ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं सॉल्यूट और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन. देख भी सकते हैं कुछ वो भी इस तरह का ही फंक्शन रहा है, इसने स्प्रिंग वाले मॉलिक्यूल को बाइंड किया और फर्दर उसको रिलीज किया यहाँ पे, सो दैट वो अपना ट्रांसफर कर पाए. अच्छा, इन डोमेन को अगर हम बात करें एबीसी बाइंडिंग डोमेन को, ये वाला ए वन, उससे अटैच जो ट्रांसमेम्ब्रेन है वो टी वन, दूसरा टी टू एंड ए टू, ये इस तरह से इनकी नेमिंग चलती है या शॉर्ट फॉर्म चलता है. यहाँ पे एटीपी बाइंड करता है एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस से एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है. ठीक है, अब किस टाइप के मॉलिक्यूल इसमें एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, जैसे कि फैटी एसिड्स, लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल. ऑफकोर्स देर इज अनदर वन, एक एम्फीपैथिक बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं. बाइल सॉल्ट्स दूसरे आयंस होते हैं कुछ, जैसे कि क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन से रिलेटेड एक डिसीज भी अगर आप लोगों ने सुनी हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो भी इसी से रिलेटेड है. हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. दूसरा, कहां कहां पाए जाते हैं, इट मेनली फाउंड इन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन में मेनली ऑर्गेनेल कौन से, आपके पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, आपका और ऑर्गेनेल ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गेन में मेनली इट इज फाउंड विद इन आवर सिस्टम, लाइक लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पाए ही जाते हैं. लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन में दे एक्चुअली पुल, दे एक्चुअली थ्रो आउट द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द वेस्ट प्रोडक्ट एंड सम फॉरेन सब्सटेंस टू. ठीक है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इन डिफरेंट ऑर्गन में. ठीक, बात करें कि एबीसी ट्रांसपोर्टर के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये होगा इसका आंसर, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर, बट देर इज अ कॉमन थिंग बिटवीन अमंग ऑल ऑफ देम इज दैट देयर लाइक उनका जो स्ट्रक्चर, जो जीन जेनेटिक स्ट्रक्चर है और फर्दर प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इट इज सिमिलर बाय 30-40%, इट इज क्वाइट सिमिलर. तो हम कह सकते हैं कि यस, इट इज समवट, इट इज कंजर्व प्रोटीन. एंड क्योंकि ये एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया सब में पाया जाता है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशनरी कंजर्व प्रोटीन है. ये कहना गलत नहीं होगा. पी एफ वी भी हमारे इवोल्यूशनरी कंजर्व थे, और यहाँ पे एबीसी भी हमारा जो ट्रांसपोर्टर है, दैट इज इवोल्यूशनरी कंजर्व. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है विद इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जैसे कि सबसे छोटे से बात करते हैं हम, प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट में क्या करता है ये सपोज कीजिए ये सेल है, बैक्टीरियल सेल है, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा मान लीजिए. ठीक है, यहाँ पे इसके फ्लैजेला. ठीक है, अब हमने कुछ इन्फेक्शन मुझे हुआ स्यूडोमोनास एरिजिनोसा का, और डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई दी है, कोई भी एक्स वाई जेड एंटीबायोटिक दी है, तो क्या होगा, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या करेगा,
एक सेकेंड, एबीसी ये मैंने ड्रग लिया है, एनी हाउ ये ड्रग अंदर तो जाएगी लेकिन ये एबीसी ट्रांसपोर्टर इसको क्या थ्रो आउट कर देगा, ठीक है, इट विल थ्रो आउट इट, ये वापस बेचारी आ जाएगी और वही कि भाई बैक्टीरिया पे कोई असर भी नहीं होगा और मैं बीमार होती ही जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर वो कोई दवाई दे देंगे, फिर से एबीसी अगर इस ट्रांसपोर्टर की मदद से कोई बैक्टीरिया जो भी मेरे अंदर इन्फेक्शन कर रहा है फिर वो उसको थ्रू आउट कर देगा और बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाता जाएगा मेरे बॉडी में और मुझे और ज्यादा बीमार करता जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, ड्रग या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं जो कि ये बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया शो करते हैं विद हेल्प ऑफ सच ट्रांसपोर्टर, एबीसी ट्रांसपोर्टर और इफ्लक्स पंप भी कहते हैं। तो मेनली ट्रांसपोर्टर का काम इनफ्लक्स का भी है और इफ्लक्स का भी है, ठीक है। दूसरा, हमारे बॉडी में ही जब कैंसर, अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो कैंसर सेल में भी MDR1, कैंसर में कैंसर क्या बोर्ड ही भर गया आज तो, चलो कैंसर के केस में MDR1 के नाम से ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि कैंसर ड्रग्स को थ्रो आउट करते हैं, कैंसर सेल अनअफेक्टेड रहती हैं विद द आपके कीमोथेरेपी जो भी आपको चलते हैं, जिसकी की वजह से डॉक्टर्स को और मॉड्यूलेटर देने पड़ते हैं पेशेंट को, सो दैट इसका डॉक्टर इजिली एक्यूमुलेट हो पाए दवाइयाँ, ठीक है, और कैंसर खत्म हो पाए। चौथा अगर हम बात करें इसके बारे में, तीसरी बात करें अगर, तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीज सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये बाइलेयर हो गया, एंड फर्दर आपका जो इसमें ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो होता है ये 12 टाइम स्पैन करता है, एनबीडी होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 12 टाइम इसका स्पैनिंग होता है और ये एनबीडी होता है। यहां पे क्या होता है, सॉरी एटीपी से एडीपी और पीआई बनते हैं और यहीं पे ना एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा अमाइनो एसिड होता है सेरीन, ठीक है, सेरीन जिसका कि आपका किसकी मदद से, ग्रीन वाला पेन कहां गया रहा है, आपका साइक्लिक एएमटी काइनेज पीकेए की वजह से इसका होता है फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होते साथ ही दूसरे स्टेप पे ये एडीपी एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है और तीसरे स्टेप पे ये क्लोराइड आयन को बाहर, मतलब क्लोराइड आयन को इस चैनल के थ्रू, ये चैनल खुल जाता है, क्लोराइड आयन मूव कर जाता है, क्लोराइड आयन के साथ साथ ही वाटर मॉलिक्यूल भी मूव करता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल भी मूव करता है। तो इस तरह से बड़ा ही इजी हमारा लंग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती रहती है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड भी होता है जिसका कि नाम है फिनाइल एलेनाइन, ठीक है, यहाँ पे होता है फिनाइल एलेनाइन 508वीं पोजीशन पे, फिनाइल एलेनाइन 508वीं पोजीशन पे अगर किसी वजह से म्यूटेशन हो जाए और ये बेचारा डिलीट कर जाए, ये है ही नहीं, तो इस पूरे जो चैनल, ये जो चैनल बना रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, ये पूरा इसका क्या होगा, ये नॉर्मल फोल्डिंग ना होगी, थोड़ा अटपटी सी फोल्डिंग हो जाएगी, फिर अटपटी से जब फोल्डिंग होती है ना, मेनली एनबीडी डोमेन में होती है, अटपटी से इस पे जैसे फोल्डिंग होती है तो सेराइन भले ही कितना फॉस्फोराइलेट होता रहे, एटीपी हाइड्रोलिसिस प्रॉपरली नहीं होगा, जिस वजह से क्लोराइड आयन प्रॉपरली बाहर नहीं जा पाएगा और वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं जा पाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर नहीं जा पाता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है, तो जो म्यूकस होता है हमारे इधर, म्यूकस हमारे विद इन आर क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत म्यूकस आपका रहता है लाइनिंग में, ठीक है, और वो म्यूकस थिक ना होके थोड़ा सा वाटरी उसका कंसिस्टेंसी होती है और वाटरी कंसिस्टेंसी इसलिए भी होते हैं क्योंकि लाइनिंग में ना हमारे सीलिया बहुत फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं और उनका मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, लाइक ये अपना बाल वाला कंघी लीजिएगा और उसके सारे ब्रिशल्स ना पकड़ के ऐसे पकड़ देना, तो वो ये मूवमेंट उनका चलता है, ठीक है, जिस वजह से कोई भी पैथोजन आता है ना तो इस मूवमेंट के थ्रू उसको बाहर, अपोजिट जो हमें थसका वगैरह लगता है पानी पीते टाइम पे, तो वो एक वही है कि बाहर निकला है, जो भी गड़बड़ चीज गई है, फॉरेन सब्सटेंस गया है, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आ जाए,
ठीक है, लेकिन अगर यही म्यूकस थिक हो जाएगा तो ये फेंकना, तो मतलब हाथ प्रोपेल आउट करना, क्या स्वीप अवे करना, क्या होगा ये, इसको मतलब कि मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे सीलिया, जिस वजह से बड़े ही प्यार से जब भी आपके अंदर कोई इन्वेडर गया, कोई फॉरेन सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या कोई पैथोजन के तौर पे गया, बड़े ही प्यार से वहां पे अधेर होगा, अधेर होते 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 आपका पूरा अंदर तक चला जाएगा और बहुत प्यार से आपको इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, तो CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस में यही होता है, म्यूटेशन हो जाता है, फिनाइल एलानाइन 508 डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाता है। एंड द सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट्स आर वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर एनी काइंड ऑफ अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब डिसीज, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेनली दो बैक्टीरिया बहुत मतलब कि ताक में बैठे रहते हैं कि कोई सिस्टिक फिब्रोसिस का पेशेंट हमें दिख जाए, हमें तो बस इन्फेक्शन करना है उसके अंदर। पहला है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, जिस पे कि मेरी PhD भी थी, ठीक है, नो सिस्टिक फिब्रोसिस पे नहीं थी, बट हाँ स्यूडोमोनास एरिजिनोसा पे मैंने पूरा काम किया हुआ है। दूसरा है स्टेफेलोकोकस ऑरियस, ये दो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ड्रेडफुल है, थ्रेटनिंग है इस टाइप के पेशेंट्स के लिए, सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट के लिए। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी, वो क्या थी, अरे भूल गई। चलिए, सिस्टिक फिब्रोसिस तक ये मैंने तीन तरह की आपको इससे रिलेटेड चीजें बताई जो कि इम्पॉर्टेंट थी, रिलेटेड टू ABC ट्रांसपोर्टर। एंड स्ट्रक्चर हो गया, इसका लोकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, एंड इट्स मेन डिफरेंट फंक्शनल कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पे हमारा बायोमेम्ब्रेन चैप्टर खत्म होता है, आगे हम बॉटनी अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आगे के लेक्चर्स के साथ मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।